बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। कौसाम्बी जनपद के देवरा गांव में 4, 5 और 6 नवंबर को मेघड़ई कल्याणी सेवा ट्रस्ट द्वारा ग्राम गौरव उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें यूपी सहित अन्य प्रदेश के कई मंत्री शामिल होंगे, जिसे लेकर तैयारी जोरों पर है। इस उत्सव में विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा कई गतिविधियां आयोजित की जाएंगी, जिसमें देश व कई प्रदेशों के वीवीआईपी शामिल होंगे। मेहमानों के आगमन को लेकर ट्रस्ट ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। पंडित दीनदयाल धाम के पूर्व निर्देशक व ट्रस्ट के संरक्षक राजेंद्र प्रसाद के ने प्राइम 80 न्यूज चैनल के खास इंटरव्यू में बताया कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी मूरतगंज ब्लॉक के नरवर पट्टी का माजरा देवरा गांव में मेड़ई कल्याण सेवा ट्रस्ट द्वारा ग्राम गौरव उत्सव का आयोजन किया गया है। आइए सुने क्या कहा उन्होंने। आज हम मेड़ई कल्याण सेवा ट्रस्ट के आगामी होने वाले जो कार्यक्रम है उनके बारे में चर्चा करते हैं। यहां पर हमारे साथ बैठे हुए हैं संरक्षक राजेंद्र प्रसाद जी। इस बार जो कार्यक्रम होने वाला है ये चौथी बार आयोजित होगा। पिछले 3 बार में जो हो चुके हैं वहाँ पर भी बहुत भव्य कार्यक्रम हुए थे और कई प्रदेश के केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री भी आए थे, तो इस बार भी क्या होने वाले कार्यक्रम में क्या क्या होना है, कितने दिनों तक है, ये सब बताएंगे। आइए बात करते हैं। तो ये बताएं जो आपकी इस बार कार्यक्रम होने वाला है 3 दिन कार्यक्रम में, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, कैसा होगा कार्यक्रम, प्रारूप कैसा होगा? मेड़ई कल्याणी सेवा ट्रस्ट गरीबों की सेवा के लिए, बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए, देने के लिए समर्पित है और जो करता है उसी का प्रात्यक्षिक इस वार्षिकोत्सव में अपने दिखाता है, उसका बृहद रूप करता है। पिछले 4 वर्षों से अभी तक जो काम करता आया है, मुझे लग रहा है कि प्रतिवर्ष 60-70 हज़ार के आसपास ऐसे आवश्यकता अनुसार दवा जो ले जाने वाले लोग होंगे इनकी संख्या होगी, जिसमें अंग्रेजी दवा, होम्योपैथिक, विशेष रूप से आयुर्वेद भी बीच बीच में रहता है, ऐसे सब निःशुल्क दवाएं ही रहती हैं। ये जो आप ग्राम गौरव उत्सव मना रहे हैं, ग्राम गौरव उत्सव के नाम से, जी जी, तो इसमें जो क्या क्या इस पर काम पाएंगे? या ग्राम गौरव उत्सव गांव के गरीबों के, मजदूरों के प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला, प्रतिभाओं को खोज करके उसको सम्मानित करने और कराने वाला, गांव के प्रतिभा गांव में निवास करे, गांव के संसाधन से रोजगार अपनी आय बढ़ाए, बाहर जाने की आवश्यकता ना हो, इसके लिए यह ग्राम गौरव उत्सव है। इस वर्ष का जो ग्राम गौरव उत्सव होने वाला है उसके अंतर्गत एक बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कैंप लगने वाला है, जिसमें अंग्रेजी, होम्योपैथ, आयुर्वेद, फिजियोथेरेपी, नेचुरोपैथी, एक्यूप्रेशर, योगा आदि रहेगा। इसी प्रकार से सरकार के जो कार्य में बोलने के लिए जगह जगह से विद्वान आने वाले हैं, हमको आयुर्वेद से क्या लाभ है इसको बताने के लिए आयुर्वेदिक विशेषज्ञ आने वाले हैं, ऐसे भिन्न भिन्न विषय के साथ साथ बड़ी संख्या में खेलकूद प्रतियोगिता के नाते अच्छी संख्या में जनपद के छात्र छात्राएं भाग लेने वाले हैं, प्रश्नोत्तरी होता है उसमें भाग लेने वाले हैं, बालिकाओं के लिए विशेष करके कुछ अलग से प्रतियोगिताएं होती हैं, उसमें रंगोली है, सिलाई है, मेहंदी प्रतियोगिता है, इसमें अच्छी संख्या में रहने वाले हम आप सब जानते हैं माननीय अवस्थी जी के साथ जिनका कार्यक्रम होता है, ऐसे संजू सिंह लोकगीत गायिका पहली बार यहाँ पर पधार रही हैं, राष्ट्रीय स्तर पर इनका गायन होता है। जब प्रधानमंत्री जी आए हुए थे प्रयागराज में तो 3 घंटे तक इनका गायन चला उसमें, ऐसे उन्होंने समय दिया है और यहाँ वो
चार को ही उनका गायन यहाँ होने वाला है। रात्रि में विरहा होगा। दूसरे दिन पशु स्वास्थ्य मेला है और एक वर्ष हम स्वस्थ देसी गाय प्रतियोगिता कराते थे, किंतु लंपी नाम का एक ऐसा वायरस फैला हुआ है तो पशुओं को इकट्ठा नहीं करना है, इसलिए गाय पर हम निबंध कराने वाले हैं और उसका विषय जन स्वास्थ्य और जन से जुड़ा हुआ ऐसे विषय हैं गाय कृषि शास्त्र, गाय अर्थशास्त्र, गाय समाज शास्त्र और गाय चिकित्सा शास्त्र, गाय पर्यावरण शास्त्र, गाय धर्मशास्त्र, ऐसे छह बिंदुओं पर से अपना वो होने वाला है निबंध। इसके अलावा राष्ट्रीय कवि सम्मेलन होगा, बच्चों का प्रश्न मंच होगा और अगले दिन 6 तारीख को प्रतिभा सम्मान, ऐसे प्रतिभाओं का सम्मान किया जाएगा जो अपने कार्य के द्वारा काम करते करते एक लंबे अरसे से अपने क्षेत्र में अपने स्वभाव के कारण लोकप्रियता हासिल किए हैं, ऐसे लोगों की सूची बनाई जा रही है। ऐसे लोगों को ले आकर के इस मंच से और जो यहाँ पर गरिमामयी अतिथियों की उपस्थिति रहेगी उनके माध्यम से उनको प्रशस्ति पत्र और सम्मान करने का काम किया जाएगा। रात्रिकालीन 6 तारीख को महिलाओं के द्वारा अखिल भारतीय कवित्री